नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 12 वोल्ट का बैटरी आपको कार एम्पलीफायर चलाना है तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर लेने से दोस्तों उसमें बहुत बनाने में बहुत झंझट रहता है। इससे आपको एकदम 12 वोल्ट एकदम आराम से आप कोई भी चीज़ 12 वोल्ट के इसमें चला सकते हैं। देख सकते हैं आप कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। तो अभी भी मैं इसे परचेस करके आया हूँ मार्केट से, 400 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी है, फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय लेते हुए। तो ये जो केबल है दोस्तों, आपको एक केबल मिलेगा, तो इसमें आपको पहले इसको डाल देना है, आपको इसमें डालना है, फिर मैं करंट में इसको डाल देता हूँ, करंट में आपको इसको पहले डाल देता हूँ। तो दोस्तों करंट में डालते सब ये जो है नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं करंट में डालते सब नहीं चलेगा। इसका फ़ैन जब तक नहीं चलेगा तब तक इसका इसमें वोल्ट उसमें का ये नहीं आएगा 12 वोल्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है जो चौड़ा वाला है इसमें अडेप्टर है, देख सकते हैं हम जो चौड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा है। तो चौड़ा वाला उसमें जो ग्रीन कलर के हैं दोस्तों, ग्रीन वाला एक ग्रीन, आप इस तरह कोई एक तार बना लीजिए, इस तरह एक तार बना लीजिए, तो ग्रीन में डालना है और ब्लैक में डालना, कोई भी ब्लैक में डालना है आपको। देखिए ग्रीन में मैं पहले डाल देता हूँ, डाल दिया हूँ, और ब्लैक में डाल देता हूँ। डाल दिया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फ़ैन चल गया है, अंदर का फ़ैन चलता है। और आप इस तरह एक चेकिंग करने वाला मीटर ले लीजिए दोस्तों, वोल्टेज चेक करने का, तो उसको आप उसमें 20 में डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये वाला, नहीं तो ये वाला, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप इसमें सब में सेम ही आई है। तो आपको चेक करना है तो येलो में डालना है रेड को, रेड वाला को, और तीन में इसको ब्लैक में डालिए। तो मीटर में देखिए, देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए रेड में मैंने डाला, देखिए 11.92, तो इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं। और आपको इसको और थोड़ा बढ़ाना है तो आप तो देख सकते हैं, और एक में मैं चेक करता हूँ, और एक में चेक करता हूँ, ये देखिए इसमें 5 वोल्ट आते हैं, 5 वाट आते हैं, इसमें 11 वाट हो गए, 12 वाट आता है। तो दोस्तों आपको बढ़ाना है तो इसको यहाँ से कट करके, इसको यहाँ से कट करके ज्वाइन करके बस आप कर सकते हैं, ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये रेड और येल्लो को काट के, और ये ब्लैक को अलग से काट के अलग अलग कर दीजिए। यहाँ में टेप का वायर डालिए, यहाँ में जिसको आप जो चीज़ आपको करना है यूज़, तो आपको आराम से चल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। और एक बार मैं दिखा लेता हूँ, येलो में डालिए मीटर को, देखिए 12 वोल्ट कुछ पॉइंट का है, 12 वोल्ट उसमें, 12 वाट का उसमें चला सकता है, 12 वाट का। और सेम है इसमें भी, सेम ही आएगा इसमें भी, सेम ही आएगा दोस्तों, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। ये येलो में डाला, इसमें डाला, देखिए सेम है, बाकी सब में सेम ही रहेगा। इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है दोस्तों। तो आप इससे आप आराम से कोई बाइक का बैटरी, कार का बैटरी, या तो आपको कार एम्पलीफायर घर में बजाने, बूफर बजाने, तो आप इससे आराम से बजा सकते हैं। ट्रांसफार्मर लेंगे तो दोस्तों उसमें क्या है कि वोल्टेज डाउन हो जाएगा, जैसे बूफर चलाएंगे उसमें तो कुछ 12 वोल्ट का रहा, 12 वोल्ट तो रहना ही है, नहीं तो आपको कार एम्पलीफायर नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं तो बोलूँगा ये आप परचेस कर लीजिए, कोई मार्केट में मिल जाएगा 500 रुपये के अंदर। तो अब ये लेके इसमें मैं जैसे बताऊँ, ग्रीन जो वायर है दोस्तों, और एक बार देख लीजिए, ग्रीन जो वायर है, ग्रीन वायर आप काट भी सकते हैं यहाँ से कट करके, इसको और इसको ब्लैक को एक साइड जोड़ दीजिए, यहाँ का फ़ैन चालू हो जाएगा। और नहीं तो आप उस तरह डालना है तो ग्रीन में एक डालिए और यहाँ पे एक डालिए ब्लैक में, फ़ैन चालू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से बूफर बजाना है तो आपको देखिए दोस्तों, येल्लो वाला 12 वोल्ट में बजाना है तो येल्लो काट दीजिए और ये ब्लैक, येल्लो में आपका इसमें रेड, आप टेप बजाना है तो कार का, या तो कुछ भी लाइट जलाना है तो इसमें आप माइनस प्लस, प्लस है येल्लो, माइनस रहेगा आपका ब्लैक हो तो आपको बताइए, तो तरह से बजा सकते हैं। और उससे तो कम पावर चाहिए आपको 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का, तो इसमें आपको रेड है और ब्लैक है,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों।